परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज दोपहर की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं सभी को जय जिनेंद्र। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर
आपसे जुड़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हम कंसंट्रेशन, एकाग्रता खेल खेल में कैसे बढ़ा सकते हैं। खेल खेल में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही शानदार और आकर्षक टिप्स लेकर आज हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी ट्रेनर मोटिवेटर हमारे साथ जुड़ी है, रश्मि जी सुराना जुड़ी हुई है, जानी मानी ट्रेनर और बच्चों को खास करके बच्चों के लिए इस टॉपिक को लेकर वो आपसे जुड़ रही है। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रश्मि जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। रश्मि जी सुराना, ओम अरहम। ध्यान से सुनना फिर क्वेश्चन पूछूंगी। तो एक रूम में चार बच्चे थे, कितने बच्चे थे? चार बच्चे थे। उनमें से एक पढ़ाई कर रहा था, दूसरा चेस खेल रहा था और तीसरा गाना सुन रहा था। तो बताओ बच्चों चौथा क्या कर रहा था? बी वेरी फास्ट, गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। यस यस गीत, यस यस, टेल योर आंसर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड से द आंसर। चौथा क्या कर रहा था? बदमाशी? नो, यस गीत इज वेरी राइट, ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग चेस। चेस कभी कोई एक नहीं खेलता, दो जन चाहिए। शी हैव अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन। देखा बच्चों, उन्होंने कितने, उसने कितने कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बात सुनी। इसी तरह जब हम कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हैं तो हमारे आंसर्स भी बहुत फटाफट आते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्यों करना चाहिए और इसकी वैल्यू क्या है? तो चलिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो आप ध्यान से सुनो, जब मैं आपको बॉल कहूं तब आप मुस्कुराओगे और जब मैं आपको बैट कहूं तो यू विल क्लैप योर हैंड्स एंड व्हेन आई विल से नेट, जैसे ही मैं नेट कहूं आप जोर जोर से हंसोगे, कुछ इस तरह एंड लिसन टू माई वॉइस। अगर मैं कुछ और कहूं तो आप कुछ नहीं करोगे, शांत रहोगे। सो फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस एंड माई वॉइस ओनली एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ऑल आर यू रेडी? शो मी योर थम्स प्लीज। यस, सो आई विल बी वेरी फास्ट, इसीलिए आप सब मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेशन करें और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। हर्षित एंड अर्णव, लक्ष्य, मयंता, क्या आप अपने अपने वीडियोस ऑन करोगे प्लीज? इट विल बी वेरी नाइस इफ यू विल प्लीज ऑल पुट ऑन योर वीडियोस। यस यस यस, so now let's all begin. I will be very fast. Bat, bat, ball, 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 net, 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 ha 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 ha, net, 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 laugh, net, 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 blue, ball, 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 bat, 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 net, 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 laugh, ha 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 ha, net, listen, listen, net, 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 cool. Now friends, I'll ask you one question. आप जब ये कर रहे थे, क्या आपको कोई और बात किसी को याद आ रही थी? किसी को कुछ और याद आ रहा था? कि everyone were busy in listening to me. Who will answer? No. Yes. Mayanta, can you say? क्या आप बताओगे कि आपको कोई और बात याद आ रही थी जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे थे? नहीं. वेदांत, क्या आपको कोई और बात याद आ रही थी? नहीं. तो आपने देखा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन से
Wow, everybody is answering. Malhar, Pashav, Laksh, कि किसी को कोई भी बात नहीं याद आ रही थी. तो बच्चों आपने देखा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ किसी काम को करते हैं तो हमको कुछ और नहीं याद आता. We all are busy doing the work which we are doing. है ना? Isn't it right? तो जब हम ऐसे ही फन के साथ अपने आप को खुश रखते हुए जो भी काम करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन से साथ करेंगे, तो हमको सक्सेस अवश्य मिलेगी. पर इसके साथ साथ हमको 10 पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं. वो बहुत सिंपल है और आप सब जानते भी हो, बस हम सिर्फ उन्हें वापस याद करते हैं कि वो 10 पॉइंट्स क्या है. फर्स्ट इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. जल्दी उठना, जल्दी सोना. सेकेंड इज मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड योगा. थर्ड इज बैलेंस्ड डाइट. फोर्थ इज थोड़ा बहुत चीटिंग खाने में अलाउड है, पर जहां तक हो अपने डाइट को बैलेंस एंड हेल्दी रखें. और सबसे जरूरी, ब्रेकफास्ट मस्ट बी वेरी गुड. एंड फोर्थ इज लिमिट योर स्क्रीन टाइम फॉर प्लेइंग गेम्स एंड ऑलवेज बी इन अ हैप्पी एंड पॉजिटिव मोड. तो पांच हमने जाने, पांच हम बाद में जानते हैं. उसके पहले हम एक और एक्टिविटी करते हैं. तो पहले हम ये करते हैं कि पहले आप बताओ कि वो पांच पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बताए अभी. कौन बताएगा? यस गीत से अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट. जिसको भी बताना हो हैंड राइज करें, अनम्यूट ऑप्शन दे देंगे उनको. गीत, मैं गीत को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ. गीत अपने आप को अनम्यूट करो बेटा. Yes, ma'am. Early wake up and early go to the bed and do yoga or exercise every day. Yes. Balance the diet and balance the diet and stop कीजिए. दूसरे को मौका दीजिए, दूसरे को. Harishit, बोलो बेटा. थोड़ा जंक और हैवी ब्रेकफास्ट और लिमिट स्क्रीन टाइम प्लस हैप्पी एंड पॉजिटिव मूड. यस, वेरी गुड. सो आपने पांच जाने ना, पांच हम बाद में जानते हैं. इसके बीच हम एक एक्टिविटी करते हैं जो कि हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी. ठीक है? नो, आई विल शो यू. अभी लोअर हैंड कर लो, वापस लोअर हैंड करिए. क्या आपको ये पिक्चर दिख रहा है? Can everyone see this? मैंने स्क्रीन पे इसलिए नहीं डाला है कि आप भी अपने घर पे इसको ऐसे ही कॉपी में बना सकते हो. Now, you can see two colors. There is one which is green, written green, and the other is written brown. But they are in color red and color blue. तो आपको मैं एक बड़ा ग्रिड दिखाऊंगी और आप जिस कलर में वो लिखा हुआ है उस कलर को आपको बोलना है. जैसे कि ये रेड में लिखा हुआ है तो आप रेड बोलोगे और ये ब्लू में लिखा हुआ है तो आप ब्लू में बोलोगे. अंडरस्टूड? समझ में आया? कैन यू सी? ओके ओके. सो अब मैं आपको एक बड़ा ग्रिड दिखाऊंगी और आपको खुद ही एक्टिवेट बाय योरसेल्फ. आई विल गिव देम 20 seconds to do this grid. आप खुद सब करोगे और देखोगे कि आप कितने कलर्स तक पहुंच पाए हो. बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ एंड डू इट, जिससे कि आप बाद में भी इस ग्रिड को बना करके, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ग्रिड बना करके आप घर पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. सो लेट्स ऑल बिगिन. सी दिस ग्रिड. Can you all see? Yes. Start. Start. थोड़ा ऊपर.
Yes. Start, Phil. Do it. उनको स्क्रीन पे लो आनंद भाई जी, रश्मि जी को स्क्रीन पर लो. स्टॉप स्टॉप. सो हु विल शेयर, किसने कितना किया? लक्ष्य हाउ मच? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, चैट में बताओ, चैट में बताओ. एवरीवन गिव इट इन चैट, राइट इन चैट. तन्मय कर रहे हो या ऐसे ही बैठे हो? तन्मय किया आपने? फाइव कलर्स, लास्ट टू लाइन. लक्ष्य सेट लास्ट टू लाइन थर्ड. ईशा सेट फाइव कलर्स एंड अदर्स अदर्स. ऋषि गिव इट इन चैट. वेदांत बड़े शांति से बैठे हो आप, बताओ आपने कितने कलर्स पढ़े. So, friends, last second line, Parsha Parekh, Mayanta Jain, four colors. Wow, very good. Rishit, three colors. Wow. So, you have to improve. जब आप इस पूरी ग्रिड को 30 seconds के अंदर पढ़ सकोगे, you will see your concentration will increase. This is a fun game. आप अपने आप अपने घर पे इसको बना सकते हो. मेक इट इन अ कॉपी, एक कॉपी में आप बनाएं और इसके साथ प्रैक्टिस करें. देखें इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज होता है बच्चों. बिकॉज सी दे ऑल आर इन डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट साइज, इसीलिए आपके अपने माइंड को कितना कंसंट्रेट करना पड़ता है इसको पढ़ने के लिए. So will you all do and practice at home? Yes. Wasn't it fun to do? Isn't it a fun to do? Yes. पढ़ने के साथ साथ अगर हम इसको करते हैं तो कितना मजा आता है. हम बीच में ब्रेकअप ले सकते हैं ना. So now let's again follow कि और वो पांच कौन से रूल है जो हमको करने हैं. हमने पांच सीखे ना, अब पांच और. When you are working, आप जब भी अपना कोई भी काम करें एक शांत जगह पर करें जहां नॉइज कम से कम हो. बिकॉज नॉइज ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट अस, इसलिए नॉइज को कम रखें जब भी आप कोई भी काम करें. और अगर कोई आपको डिफिकल्ट टास्क करना है जो कि आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसको ब्रेक कर ले इंटू सिंपल स्टेप्स. Break it in simple step and then do it. फिर जब भी आपको मौका मिले या आपको लगे कि अब हेवी हो रहा है, listen to some music or do dancing. It will give you fun, it will give you energy, it will again, you'll be available to be concentrated in your work. Or plan your breakups in advance. ऐसा नहीं हो कि जब भी दिल किया काम छोड़ दिया. नहीं, आप हमेशा ये करोगे कि मुझे ये काम आधे घंटे में कंप्लीट करना है और जब आधा घंटा हो जाए देन आई विल टेक अ 10 मिनट्स का ब्रेक. क्योंकि बच्चों कंसंट्रेशन का भी एक समय स्पैन होता है. व्हाट इज अ नॉर्मल कंसंट्रेशन? नॉर्मल कंसंट्रेशन उसे गिना जाता है जो आपकी एज है into five minutes. अगर हम करते हैं उतनी देर तक अगर आप concentration के साथ काम कर सकते हो, that means you are well and good, you are at a go. जैसे अगर आपकी age 10 years है, so if we multiply it 5, 5, it comes to 15. So if you can concentrate on a work for 50 minutes at a span, that means you have a very good and a normal concentration period. Always remember this. So you yourself can calculate ki hamara concentration span kitna hona chahiye at one go. And fifth is reward yourself. Agar aapne socha ki main aadhe ghante mein
इस काम को पूरा कर लूंगी देन रिवॉर्ड योर सेल्फ बट द रिवॉर्ड मस्ट बी नॉट ईटिंग चॉकलेट्स और जंक फूड नो इट मस्ट बी वैल्यूएबल कि ठीक है आज मैं 15 मिनट ज्यादा खेलूंगी बाहर जाके या मैं 10 मिनट ज्यादा रेस्ट करूंगी या समथिंग लाइक दैट सो रिवॉर्ड योर सेल्फ इट विल ऑलवेज बी वेरी हेल्पफुल टू यू और ये आपको हर समय इंस्पायर करेगा आगे बढ़ने के लिए अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करने के लिए आप मायूस नहीं होंगे देर आर मेनी स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज चिल्ड्रन विच यू कैन डू टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन लेट सी सम ऑफ देम यू कैन डू स्पॉट द डिफरेंस डू यू नो द गेम स्पॉट द डिफरेंस दो पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा यू कैन डू दैट देन फाइंड ऑब्जेक्ट बहुत सारे बीच में कैन डू दैट कॉपीइंग पिक्चर एक पिक्चर को देख के उसको कॉपी करना दीज ऑल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन देन कॉपी डांसिंग वीडियो ऑन करिए डांसिंग को देखिए और उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए यू विल सी यू विल इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन उसके बाद राइट फ्रॉम बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इफ यू ट्राई दिस फ्रेंड्स इट विल बी वंडरफुल अमेजिंग और ये आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है सो नाउ मैंने 5 चीजें बताई उनको कौन रिपीट करेगा फिर से कि आप क्या क्या कर सकते हो एनीवन रेज योर हैंड कौन बताएगा रेज योर हैंड रिशित यस रिशित रिशित यस सो नंबर 1 नो नॉइज यस नंबर 2 म्यूजिक नंबर 3 कंसंट्रेशन उतना ही होगा 5 into age. Yes. Reward yourself. For example, 15 minutes of play. Yes. Spotting difference, jaise mind games, right? With two hands, etc. Okay. So, aur kaun kaun se games maine bataye? Anyone else? Isha? Maine kaun kaun se games bataye jo ki aapke concentration ko increase karte hai? Isha? Yes. हाँ आपने वर्किंग हम जो काम करते हैं उसमें शांत वातावरण में करना चाहिए वो ठीक है मैंने कुछ गेम्स बताए थे जो कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं कौन कौन से थे वो गेम्स डांस प्लेइंग चेस नो स्पॉट द डिफरेंस गेम Yes. Who else? Lakshya से. Lakshya बताओ. कौन-कौन से games थे जो मैंने बताए थे? Unmute करो बेटा अपने आप को. Unmute करो Lakshya. Unmute करो. Lakshya unmute करो. Yes, ma'am. Ma'am dancing, yes. To music, ma'am mind games. Yes. Which mind game? Spot the difference. Find the hidden place. Yes, ma'am. Then writing with both hands. When you write with both hands simultaneously, it increases your concentration. तो चलो बच्चों, now we'll again do one more exercise. Can you see this grid? Can everyone see this grid? Everyone can see this grid? उसके अंदर हमने 4 है. 1 1 2
ऐसे आई विल शो यू 25 का ग्रिड और आपको फाइंड करके पढ़ना होगा वन लाइन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 25 आई शो यू द ग्रिड एंड सी आप उनको खोज खोज के कितना पढ़ सकते हो सी के आप कितना उनको पढ़ सकते हो आई विल गिव यू 20 seconds इन 20 seconds हाउ मच यू कैन रीड देम ओके आर यू ऑल रेडी सो कैन वी बिगिन आई विल गिव यू 20 seconds ओके सो लेट्स बिगिन रीड बाय योरसेल्फ Be very true to yourself. Stop. कहां तक आप लोग पढ़ पाए Give me in the chat box. कौन बच्चा कहां तक पढ़ पाया 16, 25, very good. 13, very good. Others, 10. 17, Vinita Samsuka, 17. Mayanta, 10. Vedant, 24. Gee, 13. Rishit, 25. Tanmay, 10. Very good. So, bachcho, aapne dekha, jab hum isko padhte hain, to humko kitne zyada concentration ki zarurat hoti hai. So, आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हो इन योर कॉपीज राइट नंबर्स एंड डिफरेंट उसमें लिखो और उसको पढ़ने की कोशिश करो डू इट विद स्टार्ट विद 30 seconds और फिर समय को कम करो आप देखोगे जब आप इसको करते हो इट्स ऑल्सो वेरी फन एक्टिविटी आप इसे अकेले खेल सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो लेट हिम रीड कि वो कितनी देर में पढ़ता है फिर आप करके देखो कि आप कितनी देर में करते हो इट विल बी अ फन बट इट्स साइकोलॉजिकली प्रूवन साइंटिफिकली प्रूवन कि जब हम इस ग्रिड को ऐसे करके पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंक्रीज होता है इट्स ऑल फन गेम्स आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो क्यों बच्चों फन है ना इनके साथ में What do you think? Isn't it fun to do all these things? Yes. और ये आपके concentration को बहुत बढ़ाता है बहुत बढ़ाता है एक बात और बताऊं बच्चों अगर आप वीक में 3 days कुछ आउटसाइड एक्टिविटीज करते हो जैसे कि डांस जैसे कि स्विमिंग रनिंग जॉगिंग स्किपिंग ऐसे कुछ एक्टिविटीज जो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाती है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उनसे हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस और वो हिस्सा जब हमारी हार्ट रेट बढ़ती है इन एक्सरसाइज से तो वो हिस्सा हमारे ब्रेन का बढ़ता है और उस हिस्से का काम क्या है हिप्पोकैम्पस तो जो ब्रेन का वो हिस्सा है वो हमको जितनी भी न्यू जानकारी मिलती है न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है उसको स्टोर करने का काम करता है ब्रेन का वो हिस्सा हिप्पोकैम्पस हमारे न्यूज जितने भी हम न्यू इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं उसको स्टोर करता है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज दैट जितना वो इंक्रीज होगा उतना ही अच्छे से हम अपने इंफॉर्मेशन को भीतर ब्रेन में स्टोर कर पाएंगे और हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और क्या कर सकते हो आप अपने ब्रेन को चैलेंज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए कैसे करोगे आप चैलेंज रोज कौन से हाथ से आप ब्रश करते हो टेल मी इन चैट कौन से हाथ से ब्रश करते हो ओके Some do it with left, but ज्यादातर सब right से करते हैं Yes, right. Yes, everybody is saying right.
Now what you will do? Try brushing with your left hand in the morning. With your left hand. Brush with left hand. Eat with left hand. Open the door with left hand. छोटी छोटी एक्टिविटीज को जो आप राइट हैंड से करते हो उसको लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो. कुछ दिन लेफ्ट हैंड से करो, फिर कुछ दिन राइट हैंड से. इससे आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस रहेंगे. अगर हम सिर्फ राइट हैंड से करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और जब हम लेफ्ट से करते हैं तो राइट एक्टिवेट होता है. तो अगर हम चेंज कर करके कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों एक्टिवेट होता है और हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता है. हम बहुत फास्ट काम कर पाते हैं. इट इंक्रीजेस आवर स्पीड ऑल्सो. सो इन द मॉर्निंग डू दीज स्मॉल थिंग्स थ्रू लेफ्ट हैंड एंड देन आफ्टर सम टाइम डू इट अगेन विथ राइट हैंड. This will balance both the hemispheres. Now, I will teach you some of the exercises with your fingers. हम fingers से कुछ fun activity करेंगे. Is which stores it? The name is hippocampus. Hippocampus. It is the name of the part is hippocampus. Somebody have asked me, Vinita has asked me, what is the name? Now I'll teach you some fun exercise with fingers, which will increase your concentration. जब हम fingers से कुछ exercise करेंगे, तो वो क्यों increase करते हैं हमारे concentration को? Because बच्चों हमारे जो fingers के tips है, you'll feel surprised. कि हमारे जो ये फिंगर्स के टिप्स हैं, इसमें राउंड अबाउट मोर देन 3000 मैकनोरिसेप्टर्स हैं इन द फिंगर्स. वी हैव मोर देन 3000 मैकनोरिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट्स आवर ब्रेन एंड इंक्रीजेस द कैपेसिटी क्या वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन. It increases our working capacity because fingers are very, very important. और finger इसीलिए बोलते हैं बच्चों, जब आप लिख के कोई चीज practice करते हो तो it's very good because it stimulates your brain. When we write something and then do it, it always stimulates. But it must be in your copy with a pen, not on the typewriter. और ऑन द कीबोर्ड. जब हम पेन एंड कॉपी, पेन लेके कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो फिंगर्स में है, वो एक्टिवेट होते हैं और ये हमारी ब्रेन को भी एक्टिवेट करते हैं. तो बच्चों अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे विथ फिंगर्स. सो ऑल आर यू रेडी? रेडी? ओके. So, आप अपने हाथों को जोड़ ले, हाथों को जोड़े और बिल्कुल आईज के सामने रखें और अपने सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर करें. राइट हैंड को थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ऐसे दबाएंगे, उनको नीचे करेंगे. यस. Understood? Now change. सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ऊपर करके राइट हैंड की फिंगर्स को यू दबाएंगे और फिर सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, फिर सांस छोड़ते हुए. It's a fun activity. You can do it very fast. आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे, बहुत फास्ट. And you'll enjoy. It's just like a game. समझ में आया बच्चों?
You will do this in the morning for 10 times. 10 बार करोगे इसको. Understood? Can we go to the next exercise? Or I'll show you once again. This and this. This and this. So can we go to the next exercise? Okay. So next exercise, keep your hand, hold, ऐसे प्रणाम की मुद्रा में लाएं और उसको अपने चेस्ट के सामने ले आएं, चेस्ट के सामने, और फिर श्वास भरते हुए हाथ को अंगुलियों की टिप्स को दबाएं और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे. ओके, तो दो एक्सरसाइज हमने की. नाउ वी गो टू द थर्ड वन. थर्ड वन में फेस के सामने ऐसे लाओगे आप. पुट योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर फेस. मैं आपको ऐसे करके बता रही हूं लेकिन आप लोग इसको फेस के सामने जिससे आप देख सको इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूं. ठीक है. वन, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और थंब को, देन उसको खोलो, देन द मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब खोलो, देन द रिंग फिंगर, खोलो, देन द लिटिल फिंगर, खोलो, लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर एंड द थंब. यस, देन द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब. अभी हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन फिर हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे. जैसे जैसे आप करोगे आपको इसकी स्पीड को बढ़ाना होगा. दिस ऑल्सो 10 टाइम्स कभी भी करो. इसका ये नहीं है कि आपको सुबह सुबह ही करना होगा. यू कैन डू इट एट एनी टाइम. जब भी आपको लगे कि अभी आपको कुछ और करने का मन नहीं है, यू कैन प्ले विथ योर सेल्फ विथ दीज एक्सरसाइजेस. And the most important one, change. कैसे? एक हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बनाओगे, दूसरे हाथ से victory. Now you have to change. Right hand ज्ञान mudra, left hand victory. Left hand ज्ञान mudra, right hand victory. Right hand Gyan Mudra, left hand victory. This is very important. ये exercise बहुत important है. See how fast you can do. अभी आपसे धीरे होगी. So कौन बताएगा मुझे एक एक exercise जो हम लोगों ने की है? एक एक करके एक एक जन बताओ. ओके, लक्ष्य, लक्ष्य कौन? फर्स्ट एक्सरसाइज. लक्ष्य डू द फर्स्ट एक्सरसाइज. लक्ष्य ने हैंड रेज किया है. यस मैम. यस मैम. सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर थोड़ा सा, देन मैम लेफ्ट हैंड की उंगलियों को ऐसे दबा लेना है. हाँ, वेरी गुड. एंड सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड की उंगलियां ऊपर, एंड मैम राइट हैंड की उंगलियों को दबा लें. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. 10 टाइम्स करना है. वेरी गुड.
Now, Geet, can you say me the second one? The second one. Yes, ma'am. First, we have to bake deep and सब उंगलियों में से प्रेशर देना है. उसके बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आना है. Yes. और सुबह 10 टाइम्स करना है. वेरी गुड हर्षित. हर्षित द थर्ड वन. हर्षित. हाँ मैम, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, इशू है कोई, तो मैं बस बोलता हूँ. पहले इंडेक्स फिंगर और थंब कर लो, फिर मिडिल फिंगर से स्विच कर लो दोनों हाथ में, और फिर रिंग फिंगर में स्विच कर लो दोनों हाथ में, और फिर लिटिल फिंगर में स्विच कर लो दोनों हाथ में. मैम मैं एक्चुअली मैं स्कूल में किया और मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ आज. वेरी गुड अर्षित, वेरी गुड. एंड हू विल टेल मी द फोर्थ एक्सरसाइज, द फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट वन? कौन बता सकता है? लक्ष्य की तो सारी याद हो गई है, कोई और बताए? कौन बताएगा? गीत ने भी बताया. महंता, विल यू एक्सप्लेन? महंता, कैन यू डू इट? यस, मल्हार. यस सर. मल्हार. मैम. यस मैम. हाँ मल्हार. मैम पहले हमने विक्ट्री साइन बनानी है और यहाँ पे मुद्रा साइन, फिर हमें स्विच करना है ज्ञान मुद्रा, और फिर हमें स्विच करना है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे ज्ञान मुद्रा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे हमें हर रोज 10 टाइम्स करना है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो बच्चों ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत फन लगेगा जब अभी आप एकदम सीरियस होके सुन रहे हो. ऐसे सीरियस होके नहीं करनी है. जब आप पढ़ रहे हो, आप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं हो रहा है, देन यू डू इट. जरूरी नहीं है कि हमें सुबह ही करनी है, हम कभी भी कर सकते हैं इसको, कहीं पे भी कर सकते हैं. एंड हैव फन, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं हम. हम म्यूजिक, हमने देखा कि म्यूजिक करके हम ब्रेक ले सकते हैं, डांस करके हम ब्रेक ले सकते हैं. उसके बाद और देखना बच्चों, आप जब लेफ्ट हैंड से जो काम आप राइट हैंड से करते हो, वही जब आप लेफ्ट हैंड से करोगे ना, इट विल बी अ रियल फन फॉर यू. ट्राई करके देखना कल सुबह से, इट विल बी रियल फन, यू विल एंजॉय. क्योंकि थोड़ी मुश्किल होती है ना हमेशा अपने राइट हैंड से करते हैं, और फिर उसको जब हम लेफ्ट हैंड से करेंगे तो मुश्किल होगी, बट इट विल बी एडवेंचरस एंड इट विल बी अ रियल फन. आप करके देखना. लास्ट मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जब हम एवरीडे ट्राई टू फिस्ट बनाओ अपना लेफ्ट हैंड में 90 सेकेंड्स के लिए कभी भी, और जब 90 सेकेंड्स हो जाए देन डू इट विथ राइट हैंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है रशियन जो हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने वहां पर एक प्रयोग किया था, 50 लोगों को करवाया गया था ये प्रयोग, और उनको बहुत सारी चीजें याद करने के लिए दी थी. तो उनमें से जो 50 थे उनको बोला, ऐसे ही नॉर्मल दिया गया था कुछ चीजें याद करने के लिए और कॉन्सेंट्रेट के साथ और उसको सुनाने के लिए, और 50 को इस एक्सरसाइज के साथ दिया गया था. जिन्होंने ये एक्सरसाइज की थी फिस्ट की, 90 सेकेंड दिस एंड देन 90 सेकेंड दिस, वो लोग बहुत ज्यादा याद रख सके बनिस्पत उनके जिनको नॉर्मल दिया गया था. बिकॉज जब हम राइट हैंड की फिस्ट को करते हैं, राइट हैंड की फिस्ट को करते हैं, तो ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी पावर को बढ़ाता है. जब भी आप याद करो, आप अगर अपनी राइट हैंड की फिस्ट करके ऐसे मुट्ठी बनाकर याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा. यू कैन प्रैक्टिस दिस कि जब भी आप कोई नई चीज याद करते हो, आप अपनी राइट हैंड की मुट्ठी को बनाए, 90 सेकेंड्स के लिए रखें, फिर छोड़ दें, फिर 90 सेकेंड्स के लिए रखें और छोड़ दें. जितनी देर आप अपना कोई भी चीज को याद करते हो, यू कैन डू दिस. और लेफ्ट हैंड की जो मुट्ठी है वो किस काम की? जब हम याद किया हुआ वापस दोहराते हैं, लिखते हैं, देन द लेफ्ट हैंड
के मुट्ठी हमारे काम आती है. बिकॉज दिस हेल्प्स इन रिकॉलिंग व्हाट वी हैव रिमेम्बर्ड, व्हाट वी हैव मेमोराइज्ड, जो हमने याद किया था उसको वापस दोबारा याद करने के लिए दिस विल हेल्प. ये मुट्ठी लेफ्ट वन, लेफ्ट वाले. तो जब भी आपको कुछ लिखना हो जो आप याद कर चुके हो, उसको जब आप लिख रहे हो या आपको किसी को बोल के सुनाना है या खुद आप उसको वापस कर रहे हो, तो आप अपनी लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को बंद करके रखें, तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी उन सब चीजों को रिकॉल कर पाते हो. इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी इजी. आज मैंने जो भी आपको बताया है वो बहुत इजी है. एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी अगर आप इनको फॉलो करोगे, तो आप देखोगे कि इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ये सब आपको हेल्प करेंगे चीजों को याद करने में भी और आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाने में भी. सो क्या बच्चों, डिड यू हैव फन विथ ऑल दीज एक्सरसाइज? यस. क्या आपको अच्छा लगा, मजा आया? यस. वाओ मैम, आई डिड दिस इन ऑफलाइन स्कूल. यस यस. वाओ, तो आज के लिए बहुत हो गया. एक साथ इससे ज्यादा फिर हम करेंगे ना, तो हॉच पॉच हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, फिर हम और कभी मिलेंगे और आप इनको करना जरूर. आज हमने सीख लिया और फिर नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा. यू हैव टू फॉलो देम रेगुलरली. अगर आपको ये याद ना रहे तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को दो बार देखिए, चार बार देखिए, जिससे आपको याद हो जाएगा. भूल अगर एक बार में सब कुछ नहीं याद रहे तो जस्ट सी द रिकॉर्डिंग और आपको फिर से पता चल जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है. एंड फ्रेंड्स, रियली बिलीव मी, दिस ऑल विल बी अ रियल फन टू यू. सो हम फिर मिलेंगे आप सब से फिर कभी और कहीं किसी और चीज के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. हाँ बच्चों, अभी हम 5 मिनट का टाइम और लेंगे. अभी आपको कोई जिज्ञासा हो, मैं अभी सबका अनम्यूट ऑफ दे रहा हूँ, आप एक एक करके अपनी बात पूछेंगे. 5 मिनट के लिए आपके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ, अभी अनम्यूट नहीं करेंगे. बहुत सुंदर क्या रश्मि जी, बहुत सुंदर, सिंपल एंड वेरी वेरी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो बच्चों बिल्कुल मन से भाव से करना तो है, पर प्रश्न हो तो एकदम खुले दिल से पूछना है सबको. पर एक एक जैसे आनंद भाई जी ने कहा, एक एक पूछेंगे या फीडबैक तो जरूर देंगे. प्रश्न ना हो तो फीडबैक जरूर. पहले गीत ने हाथ ऊपर किया तो पहले गीत बोलेगी. मैम आपने जो मैम ये रीस वाला बताया उसको कितने टाइम करना है? जो फिस्ट वाला है ना, राइट हैंड, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आप याद कर रहे हो, तो आप राइट हैंड का फिस्ट को कर सकते हो. 90 सेकंड्स के लिए किया, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर वापस 90 सेकंड्स के लिए कर लो. जितनी देर आप, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जितनी देर के लिए भी करो, 90 सेकंड्स के लिए करके फिर थोड़ी देर छोड़ दो, फिर वापस कर लो. थैंक यू. लक्ष्य. मैम बहुत अच्छी क्लास थी, आपका एक्सप्लेनेशन एंड बिहेवियर वाज वेरी नाइस. एंड मैम इस टाइप की और भी क्लासेस होंगी क्या आप लेंगी तो? हाँ श्योर, क्यों नहीं बच्चों, जरूर लूंगी. तृप्ति. मैम. यस यस. मैम जब मैथ्स के समय करते तो फिर जो बड़े बड़े सम होते तो फिर मिस्टेक्स बहुत होते, तो उसको कैसे ठीक करें? उसको ब्रेक करो बेटा, जब बड़े बड़े सम्स होते हैं तो उसको शॉर्ट सिंपल वे में ब्रेक करो. आइदर डू ब्रेक इट और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो अपनी फिस्ट वाली एक्सरसाइज करो. और जब आप मैथ्स करने बैठो उसके पहले डू सम फन एक्टिविटीज विच इंक्रीजेज योर कॉन्सेंट्रेशन. जो मैंने आज आपको बहुत सारी एक्टिविटीज बताई है उनमें से कुछ एक्सरसाइज करके फिर आप मैथ्स करने बैठो, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आप खुश रहोगे अंदर से, यू विल फील हेल्दी एंड हैप्पी.
और जब हम हेल्दी एंड हैप्पी होके किसी भी काम को कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं तो वो जरूर होता है. एनीथिंग एल्स ऋषित? थैंक यू मैम. वेदांत, वेदांत सोनी जो आज ही हमारे साथ जुड़ा है हैदराबाद से, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है. वेदांत आपको क्लास करके कैसा लगा बेटा? पहली क्लास आपने अटेंड की है आज. सर हमको बहुत अच्छा लगा. आप हैदराबाद से हो ना? हाँ सर मैं हैदराबाद से हूँ. बहुत अच्छा लगा. तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ना है? हाँ सर मैं भेजूंगा अपने फ्रेंड्स को ये सारे ये वाली लिंक, वो भी ज्वाइन करेंगे. बहुत बढ़िया. हाँ मीटिंग की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? ग्रुप में आएगी बेटा, आपके ग्रुप से है ना, ग्रुप्स बने हुए किड्स ग्रुप, उसमें आ जाएगी. ग्रुप में आ जाएगी, सबको भेजना है. ग्रुप में एडिट नहीं हूँ. एडिट नहीं हो आप? आपको ऐड कर देंगे आनंद भाई जी. हाँ तो बेटा आप है ना मेरा नंबर नोट करो, 937-347-1831 937-347-1831 इस नंबर पे आप मैसेज करो आपका नाम और शहर का नाम लिखते हुए, ठीक है? Yeah. सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, सबके चेहरे दिखने चाहिए. अपने अपने सब वीडियो ऑन करेंगे. मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ अभी, इसका फोटो आपको सबको दिखेगा ग्रुप में. अपने अपने वीडियो, तन्मय हर्षित का वीडियो ऑन नहीं हो सकता है. हाँ ठीक है, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठना है. रीढ़ की हड्डी गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए. मैं हमेशा कहता हूँ मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रखना है, इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है. हमारा जो एनर्जी का फ्लो है ऊपर की ओर होता है और अच्छे से होता है. तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधे, जब भी आप बैठो हो पढ़ाई करने, कुर्सी पर बैठते हो, खड़े होते हो, तो मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए. दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है. इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है. मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति. कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेवों के आभारी हैं. कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेवों के आभारी हैं. हम सब गुरुदेवों के आभारी, गुरुदेव के प्रति आभारी है. रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इतना अच्छा बच्चों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. बच्चों आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो है ना, जब आपके ग्रुप में आ जाएगा तब आप वीडियो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और दोबारा देखना, जहां भी समझ में नहीं आई हो आपको समझ में आएगी. तो आज हम हमारी अंकल आपको और अलका जी को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चों से जुड़ सकी. और मेरा तो सबसे बड़ा फेवरेट ही है बच्चों से जुड़ना, तो मैं आपकी सच में बहुत बहुत आभारी हूँ. आप और कोई नया टॉपिक लेके और फिर हमारे साथ जुड़िए, बच्चों को नए नए चीजें बताइए आप इन शुभ भावनाओं के साथ. ओम अरहम, ओम अरहम.